हेलो दोस्तों, मैं कोमल आप सभी का मेरे चैनल फूड्स मीडिया पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसको सुनते ही और देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ कटोरी पिज्ज़ा की, जो बहुत ही जल्द और आसानी से बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने बाउल में लिया है 2 कप मैदा, उसमें 1/2 कप दही, 1 पिंच बेकिंग सोडा और उसको मिलाकर अच्छे से इसका बैटर तैयार कर लिया है। इसका बैटर ऐसे ही थिक और गाढ़ा ही रहेगा और इसको अच्छे से फेट फेट कर ही हमें इसका बैटर तैयार करना है। ये देखिए, इतना ही थिक हमें रखना है, ना इससे ज़्यादा ढीला और ना ही इससे ज़्यादा टाइट रखना है। फ्रेंड्स, मैंने ये सॉस तैयार किया है, इसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाला था, उसमें लहसुन से उसका तड़का दिया और 2 बारीक कटी हुई प्याज उसको अच्छे से लाल कराया है और 2 टमाटर काट कर उसको अच्छे से फ्राई करके उसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया है। इसमें अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक भी ऐड किया है। तो ये हमारा पिज़्ज़ा सॉस बन के रेडी है। अब मैंने लिए हैं बारीक कटे हुए गाजर, शिमला मिर्च और प्याज, इन सभी को हम अपने पिज़्ज़ा कटोरी में ऐड करेंगे। अब इसके बाद मैंने बाउल लिया है, बाउल या कटोरी कुछ भी ले सकते हो आप, और उसको अच्छे से 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल के उसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है, जैसे कि हमारा पिज़्ज़ा नीचे से चिपके ना। इसी तरह से हम सभी कटोरियों को ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मैदा का पेस्ट। ये देखिए, मैंने सारी कटोरियों को तैयार कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना पिज़्ज़ा सॉस जो हमने तैयार किया था और अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे, अच्छे से फैला देंगे। अब हम इसमें 1-1 चम्मच सॉस ऐड कर देंगे, टोमेटो सॉस, और फिर जो वेजिटेबल्स हमने कट किए थे वो डाल देंगे। कुछ इस तरह से। अब हम इनके ऊपर पनीर ग्रेट कर देंगे अच्छे से फैलाते हुए, और फिर चीज़ को भी ग्रेट कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सीजनिंग। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग ना हो तो आप चिली फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं और ब्लैक पेपर का, और हल्का सा नमक डालते हुए अब हम इसको अपने माइक्रोवेव या OTG आप किसी में भी 180 डिग्री पर 30 से 35 मिनट के लिए रख देंगे बेक होने के लिए। तो ये देखिए, इतना अच्छा सा इसमें कलर आया है और हमारी चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो लीजिए, तैयार है हमारा कटोरी पिज़्ज़ा। कटोरी पिज़्ज़ा की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी ये मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।